वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ क्लास 12 ऑफ बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जो हमारा स्टार्ट हुआ है, जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। आपको पता ना हम क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस, उसमें दो टॉपिक तो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ कि मैनेजमेंट एक साइंस है, एक सोशल साइंस है, दूसरा मैनेजमेंट एक आर्ट है, उसका नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है या नहीं है, पहली बात प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है जी। तो प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन। एक वो ऑक्यूपेशन है, एक कारोबार है, एक व्यवसाय है, बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसकी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और उसकी एक ट्रेनिंग है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बिना आप स्पेशलाइज नहीं बन पाओगे, स्पेशलिस्ट नहीं बन पाओगे, और एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, और हर कोई वो प्रोफेशन चूज नहीं कर पाएगा जब तक कि वो स्किल या वो पेपर या वो एक्सपर्टाइज नहीं सीख लेता, ट्रेन नहीं हो जाता, ठीक है जी। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है जी। प्रोफेशन में हमने बोला कि ये एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है, ये एक ऑक्यूपेशन हो गया जिसमें बंदे को क्या करना होता है, एक स्पेशलाइज नॉलेज लेनी। जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, ठीक है, कोई अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, ये स्पेशलाइज नॉलेज है ना। हर कोई तो नहीं कर सकता, हर कोई किसी डॉक्टर अपने बेटे को जो डॉक्टर नहीं है उसको ये तो नहीं कह सकता कि आप मेरी जगह जाके ऑपरेशन कर दो, नहीं। तो ये एक स्पेशलाइज नॉलेज है, कोई डिग्री है जो ये ट्रेनिंग करने के साथ मिलती है, ट्रेनिंग करनी है, पढ़ाई तो करनी करनी है, उसके बाद वो ट्रेनिंग भी तो होती है ना डॉक्टर बनने की, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में, और उसके बाद इनको वो सर्टिफिकेट मिलता है, और एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, और एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है जब तक आप वो स्पेशलाइज स्किल या ट्रेनिंग नहीं करोगे, अब तक आपको वहाँ पे उस प्रोफेशन में एंट्री नहीं मिलती। तो मैनेजमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है टू अचीव गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, उसमें तो कोई आपको नई चीज नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन का समझना जरूरी था। अब हम ये देखेंगे कि प्रोफेशन में वो कौन से फीचर हैं, ठीक है, प्रोफेशन के वो कौन से फीचर हैं, क्या वो प्रोफेशन मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं, तो उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। तो सबसे पहले प्रोफेशन का जो फीचर है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, जैसे डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, ठीक है जी, वो एक स्पेशलाइज पढ़ाई है तो वो प्रोफेशन में शामिल है। तो क्या वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है, तो मैनेजमेंट में अवेलेबल है, यस। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है वो मैनेजमेंट में ये फीचर अवेलेबल है। मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें कुछ थ्योरीज लिखी हैं, बुक्स लिखी हुई हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब कि प्रोफेशन में जो आपको रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई वो प्रोफेशन को चूज नहीं कर सकता जब तक कि वो उसका कोई स्पेशलाइज स्किल या वो नॉलेज या वो पेपर उनका नहीं क्लियर कर सकता। लेकिन मैनेजर बनने के लिए ऐसी कोई भी जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं है, एवरी बॉडी कैन मैनेजर, इवन आप टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पे बिना किसी क्वालिफिकेशन पे भी वो पर्सन जो मैनेज कर रहा है एक ग्रुप को, एक टीम लीडर को बनके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो मैनेजर है, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो मैनेजमेंट में ये पॉइंट, सॉरी, मैनेजमेंट में ये पॉइंट अवेलेबल नहीं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको किसी एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, जैसे सपोज करो एम्स में डॉक्टर का रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, साइंसेज में, और उसी तरीके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बट मैनेजर बनने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन बॉडी के साथ नहीं अटैच होना पड़ता, अभी तक तो ये कंपल्सरी नहीं हो सकता, आने वाले समय में हो जाए, पर अभी तक ये फीचर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि वो कौन सा कोई ऐसा नियम है, क्या उस प्रोफेशन को जो मानना पड़ेगा, उस प्रोफेशन को अपनाने वालों को ऐसा कोई नियम होते हैं, कुछ उनके कुछ रूल्स हैं, कुछ टू डू, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, वो उनको मानने पड़ते हैं उस डिग्री को लेने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट में कोई ऐसा इथिकल कोड नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद ये फीचर भी अभी प्रेजेंट नहीं है। और सर्विस मोटिव प्रोफेशन का एक होता है, ठीक है, सर्विस मोटिव है, बट उनको उनके बदले में, उनके काम के बदले में उनको फीस मिलती है उनके ऑक्यूपेशन की, ठीक है। बट मैनेजमेंट का प्योरली ऑप्शन ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता सर्विस मोटिव, क्योंकि मैनेजमेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है, बट वो उस तरीके
के लिए भी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हम क्या लगाते हैं, मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं ना। मैनेजमेंट एक्ट में होती है जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब जो मैनेजमेंट है उनका मकसद क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, मैनेजमेंट का प्योरली मकसद अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्रॉफिट अर्न करना, किसी तरीके से प्रॉफिट आना चाहिए, कंपनी की इनकम बढ़नी चाहिए। तो इसलिए जो सर्विस मोटिव प्रोफेशन का फीचर है वो मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। सो इस तरीके से देखा जाए तो सिर्फ एक ही फीचर है जो प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, समझ लो ना, एक ही फीचर है जो प्रेजेंट है, तो आप इसको जरा अंडरस्टैंड करिए। तो इससे ये साबित होता है कि मैनेजमेंट आज की डेट में एक प्रोफेशन नहीं है। तो ये मैं आपको ऊपर एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा ऊपर, मैं इसका जो कंक्लूजन है वो ले लेता हूँ, आपको कंक्लूजन ले लेता हूँ। कंक्लूजन, एट प्रेजेंट मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन बट वेरी सून इट मे बिकम अ प्रोफेशन। ठीक है, वेरी सून ये प्रोफेशन बन सकता है, लेकिन आज की डेट में ये प्रोफेशन नहीं है। तो ये इसका समीशन है। तो भाई आप इसको जरा अच्छे तरीके से नोट करिए, मैं ये फीचर एक बार का दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन का, वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, इवन होम मेकर हाउस वाइफ भी मैनेजर। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट में नहीं है, एक्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड मैनेजमेंट में वो नहीं है, ये प्रोफेशन में है। सर्विस मोटिव प्रोफेशन का फीचर है लेकिन मैनेजमेंट में वो फीचर नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव होता है, सर्विस मोटिव नहीं है, इसलिए ये वाला फीचर भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक फीचर है इसलिए ये जो मैनेजमेंट में अवेलेबल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है आज की डेट में एक प्रोफेशन नहीं है। तो गाइस इसी के साथ ये नेचर वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसलिए आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।